press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। यह बिल्कुल सही वक्त है जब आपको रेडियो रवांडा की कहानी सुनाई जाए। यह मोबाइल और व्हाट्सएप का दौर शुरू होने से पहले की बात है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित रवांडा में उस वक्त तक टेलीविज़न भी घर घर नहीं पहुंचा था। तब रेडियो अपनी पहुंच और प्रभाव में बेहद शक्तिशाली था। बात 1994 की है। रवांडा में दो प्रमुख समुदाय हैं, होतू और तूत्सी। होतू बहुसंख्यक हैं, आबादी का लगभग 80%, जबकि तूत्सी अल्पसंख्यक, आबादी का महज 10%। आपको भारत की याद आ रही होगी। इंतज़ार कीजिए, अभी इस तरह की कई और समानताएं आपको दिखेंगी। रवांडा की त्रासदी हमारी ताज़ा याददाश्त में घटी सबसे भयावह मानवीय त्रासदी है, जिसमें मीडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस नरसंहार में हुतू बहुसंख्यकों ने 800,000 तूत्सी अल्पसंख्यकों और उदारवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों ने दोस्तों को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को, बच्चों से बच्चों को मरवाया गया, बुजुर्गों से बुजुर्गों को और महिलाओं से महिलाओं को। गरज ये कि इस मारकाट में इंसानियत जितना नीचे गिर सकती थी गिरी। रवांडा के उस नरसंहार की पटकथा वहाँ के मीडिया ने लिखी थी। इनमें से ज़्यादातर रेडियो स्टेशन थे, इसलिए आज के भारत और मीडिया, विशेषकर टीवी मीडिया के संदर्भ में रवांडा की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। आज रविवार है, 19 जून 1994, और किगाली समयानुसार इस समय शाम के 4:22 हुए हैं। हम RTLM के स्टूडियो में हैं। उन सभी कॉकरोचों के लिए चेतावनी जो इस समय रेडियो सुन रहे हैं, रवांडा उनका है जिन्होंने इसकी रक्षा की है, और तुम कॉकरोच असली रवांडन नहीं हो। अब सभी लोगों ने इन कॉकरोचों को हटाने के लिए हथियार उठा लिया है। हमारे सैन्य अधिकारी, जवान, लड़के, मर्द, औरतें, सब ने। अब कॉकरोचों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे देश में तूत्सी बहुत कम है। अब वो 10% भी नहीं बचे, उनकी आबादी सिर्फ 8% है। आओ जश्न मनाएं, कॉकरोच अब नहीं रहे। आओ जश्न मनाएं, ईश्वर बहुत दयालु है। अगर हमने सभी कॉकरोचों का सफाया कर दिया तो कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, क्योंकि हम ही विजेता होंगे, वरना हम लोग कीवू झील में डूब मरेंगे। ये अपील रवांडा के RTLM रेडियो स्टेशन से उस वक्त प्रसारित हुई थी। इस तरह की तमाम अपीलें उस दौर में रोजाना होती थी। इससे उत्तेजित होकर बहुसंख्यक होतू समुदाय ने 6 अप्रैल 1994 से लेकर 18 जुलाई 1994 के बीच तूत्सियों और उदारवादी हुतू समेत 800,000 लोगों की हत्या की। इस नरसंहार का ट्रिगर पॉइंट था हुतू राष्ट्रपति हबायरीमाना की हत्या। लेकिन इस हत्या के बहुत पहले से वहां के रेडियो स्टेशन दोनों समुदायों के बीच मौजूद तनाव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तूत्सियों को मिलने वाली कथित वरीयता जैसे मुद्दों को हवा देकर सीधे सीधे हुतू समुदाय को हत्या के लिए उकसा रहे थे। हमारे यहां आप इसे मुस्लिम तुष्टिकरण या अपीजमेंट के नाम से लगातार सुनते आ रहे हैं। रेडियो स्टेशन RTLM का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। यह एक निजी रेडियो स्टेशन था जो अपने यहाँ सामान्य तौर पर तूत्सियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करता था। जिस पल राष्ट्रपति हबायरीमाना की हत्या हुई, इस चैनल से सीधे सीधे तूत्सियों की हत्या की अपीलें की जाने लगी। अगले कई दिनों तक RTLM लोगों को तूत्सियों की हत्या के लिए उकसाता रहा। नतीजा ये हुआ कि अगले 100 दिनों के भीतर लगभग 70% तूत्सी आबादी का सफाया हो गया। इसको भारतीय संदर्भ में कैसे देखें? ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई एक्शन रिप्ले चल रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की दुखद मॉब लिंचिंग की घटना हुई। इस घटना में मरने वाले और मारने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं। इसके बावजूद रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से इसे मौलाना, पादरी, इस्लाम और ईसाइत से जोड़कर पूरे मामले को फर्जी धार्मिक रंग दिया, वह अब इस आदमी की शर्मनाक हकीकत बन चुका है। मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य
80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? क्या होता पूरे देश के अंदर? सोनिया भाई बता देते क्या क्या नहीं जानते भाई। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है कि संतों का संतों का सरकार है, जो हाल चल जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाह वाह ही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है मेरा यही सब हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल हिंदू चुप रहने वाला नहीं है भारत। बता दीजिए क्या आज हिंदू समाज चुप रहेगी? बिल्कुल। पालघर की घटना के जरिए अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ किया वह रेडियो रवांडा का पुनर्पाठ लगता है। अर्नब के एक एक शब्द रेडियो रवांडा की पुनरावृत्ति लगते हैं। 80% बहुसंख्यकों के शोषण की फर्जी चीख चिल्लाहट आरटीएलएम रेडियो के हुतु शोषण की कहानियों से हूबहू मेल खाते हैं। हमारे देश में एक नहीं बल्कि अनगिनत आरटीएलएम सरीखे चैनल हैं जो हर पल हिंदुस्तानियों को भेड़िया आया के भयजाल में झोंके हुए हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी, और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन की जमात ने कोरोना की आग में घी डाला। तो आरोप ये लग रहा है कि देश में मीडिया हिंदू मुसलमान करा रहा है। किसने हिंदू मुसलमान किया? तालिबानी। तालिबानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह तालिबानी मानसिकता है, तालिबानी जमात नहीं कह रहा हूँ, तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। लॉकडाउन का वक्त है, पाबंदियां लगी है, लेकिन बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे उनकी तस्वीरें देखकर आप ही हैरत में पड़ जाएंगे। आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुंचे, इन्हें किसने बुलाया? कोरोना से देश की लड़ाई का शाहीन बाग में मजाक उड़ाया जा रहा है। शाहीन बाग लोगों की जान से खेलने की आजादी क्यों वहां दी जा रही है? रेडियो रवांडा ने जब नफरत की आंधी चलाई तो इसकी चपेट में वो उदारवादी हुतु भी मारे गए जो समझदारी, मेल मिलाप और भाईचारे के पक्षधर थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी उदारवादी और सरकार से अलग राय रखने वाले तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इसके सबसे आसान शिकार तो फिलहाल NDTV के पत्रकार रवीश कुमार हैं। कभी शंभूलाल रैगर, कभी कपिल गुर्जर जैसे लड़के रेडियो रवांडा बनने को आतुर अर्नब सरीखे एंकरों के उकसावे में आकर सरेरा हथियार लेकर निकलने भी लगे हैं। हमारे साथ अच्छी बात यह है कि हमारे सामने वो तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं जिनसे हम समय रहते सीख ले सकते हैं। आग में कूद कर जलन का एहसास किया तो इंसान और गधे में फर्क क्या? इस बीच लॉकडाउन में फंसे देश के दूर दराज के इलाकों से छोटे छोटे चैनल लगातार बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यह खबर सुशासन कुमार के राज्य बिहार से आई है जहां 4 दिन के भूखे बच्चे मेंढक खाकर गुजारा कर रहे हैं। खाते हैं मेंढक की समाज को सिखाएंगे। कहें हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घर घर ना हो अनाज नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले
पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो इसमें गड्ढे में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं खाते हैं। क्या गुरुज पकड़ लेते हैं ये? इतना पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, खाते हैं मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के। अच्छा, कई दिन से ना खाए हो? अभी तो चार रोज से ही खा रहे हैं, पाँच छह रोज से नहीं खा रहे हैं। चार दिन से ही खा रहे हो? अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ये नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं, पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे, कुछ है भी नहीं। तो तुम लोग दिन भर यही करता है? हाँ जी, पकड़ते रहते हैं, आराम से खेलते रहते हैं, बैंक पकड़ के खाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एक भी नामी ग्रामी चैनल का माइक वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बावजूद दिल्ली में केंद्रित ये चैनल खुद को नेशनल मीडिया का तमगा देकर खुद ही प्रफुल्लित हो लेते हैं। हमने पाया है कि YouTube पर हमारे कई दर्शकों को YouTube चैनल सब्सक्रिप्शन और न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन को लेकर कुछ गफलत है। असल में जब हम आपसे सब्सक्रिप्शन की अपील करते हैं तो हमारा अर्थ होता है न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आपको अपनी जेब से थोड़ा पैसा ढीला करना होता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.newslaundry.com पर जाएं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें। वहां आपको तमाम वीडियो, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट मिलेंगे जो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध होते हैं। आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कोई विज्ञापन नहीं दिखेगा, यह सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स यानी आपके सहारे चलता है। इसलिए दिल खोल कर सब्सक्राइब करें। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण पर संकट आए इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लीजिए, फिर चाहे चिलम ही क्यों ना फूंक रहे हों। और अगर चिलम मास्क लगाकर फूंक रहे हों तो और अच्छी बात है, डबल फिल्टर।